जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा के गढ़ में उद्धव गुट ने ठोकी ताल, शिंदे गुट के नेता किसके साथ? शरद पवार का बेटा नहीं हो इसलिए मुझे अवसर नहीं मिले, अजित। विदर्भवासियों का पद सम्मान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के गढ़ में उद्धव गुट ने ठोकी ताल, शिंदे गुट के नेता किसके साथ? भाजपा का गढ़ रहे जलगांव लोकसभा निर्वाचन सीट पर इस बार उद्धव गुट ने परोल के पूर्व नगराध्यक्ष करण पाटिल को उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अंततः भाजपा उम्मीदवार सीमता वाघ के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद उन्मेष पाटिल की टिकट काटी तो वे करण पाटिल के साथ उद्धव गुट में शामिल हो गया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। शरद पवार का बेटा नहीं हो इसलिए मुझे अवसर नहीं मिले, अजित। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वह शरद पवार के बेटे नहीं है इसलिए उन्हें राजनीतिक अवसर नहीं मिला। 80 साल की उम्र के बाद नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कि भाजपा के साथ बातचीत हुई थी लेकिन उसके साथ जाने के संबंध में बातचीत नहीं हुई, अजित ने कहा कि कम से कम उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि बातचीत हुई थी। मैं बातचीत का साक्षी हूँ। पुणे जिले के थिरूर में रैली को संबोधित करते हुए अजित ने कहा, मेरी उम्र भी 60 से ऊपर है, हमारे पास कोई मौका है या नहीं, क्या हम गलत बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए हम भावुक हो जाते हैं। पवार साहब भी हमारे देवता हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का वक्त होता है। 80 की उम्र पार करने के बाद नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। पुणे जिले का बारामती पवार परिवार का गढ़ है। अजित की पत्नी इसी सीट से चुनाव लड़ रही है और उनका मुकाबला शरद पवार की बेटी एवं ननद सुप्रिया सोले से है। बारामती सीट पर 7 मई को मतदान हो गया है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। विदर्भ वासियों का पद सम्मान। जीवन भर निराश्रितों और विकलांगों के पुनर्वास के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर और नागपुर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम को गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। अनाथ बच्चों के पिता शंकर बाबा पापलकर अमरावती जिले के वज्जर में विकलांग अनाथ बच्चों के लिए अबादा संपत्त वैद्य बाल गृह चलाते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इनमें इन दोनों विदर्भ वासियों का नाम शामिल था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।